नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो इस वक्त बड़ी जानकारी कैथल से जुड़ी हुई आपको दे दें कि 34 करोड़ से ज्यादा के सफाई घोटाले का मामला सामने आ चुका है। पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर ने जेई को सस्पेंड कर दिया है। जेई जसबीर सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। कई ब्लॉकों में नालों और तालाबों की सफाई के नाम पर घोटाला किया गया था। बोर्ड लगाने के नाम पर जीप ग्रांट की राशि हड़प गए थे अधिकारी। सामान्य विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक रमेश चंद्र बिहान ने पंचायती राज विभाग के जेई जसवीर सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान जसवीर सिंह का मुख्यालय महेंद्रगढ़ रहेगा और इस बारे में क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कैथल के महानिदेशक आरके कौशिक ने एक पत्र लिखकर के मुख्यमंत्री से जसवीर सिंह को निलंबित प्रक्रिया के बारे में लिखा था। पत्र में कौशिक ने कहा था कि उनको साथ में जिला परिषद उनके संस्था द्वारा जिला परिषद कैथल के विकास कार्यों में अनियमितता की जांच बारे में अनुरोध किया गया था। इसकी पालना में मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि जेई जसवीर सिंह खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय कैथल जिला परिषद खंड राजौंदा और खंड पुंडरी के अतिरिक्त चार्ज लिए हुए जसवीर सिंह के घोटालों की जाँच चल रही है। जाँच का विवरण इस प्रकार है कि जिला परिषद के अधीन सफाई घोटाला 12.24 करोड़, जिला परिषद के अधीन गली चौपाल घोटाला 15.82 करोड़, जिला परिषद के अधीन बोर एवं गली घोटाला 3.25 करोड़, जिला परिषद के अधीन सरकारी स्कूल के फेस लिफ्टिंग ग्रांट घोटाला 1.62 करोड़ खंड और राजौंद में पंचायतों में रिचार्ज बोर घोटाला 1.25 करोड़ और साथ ही पंचायत समिति कैथल के अधीन स्वागत द्वारा घोटाला करीब 30 लाख रुपए है। अगर इन घोटालों की कुल राशि का जोड़ा जाए तो जोड़ लगा करके इसे 34 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि के घोटाले में जांच प्रभावित होने का अंदेशा पत्र के माध्यम से दर्शाया गया है। और पत्र में आरके कौशिक ने लिखा है कि उपरोक्त सभी घोटालों में जेई जसवीर सिंह की प्रमुख भूमिका रही है। इस पर हमारे साथ संवाददाता मनोज मलिक जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानकारी चाहेंगे, ये जो घोटाले का खंडन किया गया है और ये कहा जा रहा है कि इसमें अहम तौर पर जसबीर सिंह की प्रमुख भूमिका रही है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, कैथल के अंदर कैथल एक घोटालों का हब बन चुका है। लगातार नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है लीपापोती करके उनको दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामला, ये जो 34 करोड़ का जो और 38 लाख रुपए का जो मामला सामने आया है, इसमें जो सफाई घोटाला गांव में जाकर गांव की सफाई करने, गलियों की सफाई का ये टेंडर था, उसके साथ साथ जो भी गांव के अंदर गंदगी थी, तालाब की गंदगी थी, बोर की जो वाटर रिचार्ज है, बोर लगाने के लिए, नालों की सफाई के लिए और हर ब्लॉक के लिए ये राशि दी गई थी। और इसमें जिला परिषद के जो घोटाले हैं 15.82 करोड़ रुपए है और इसके अधिक जो गली घोटाला हुआ है 3.25 करोड़ रुपए ये घोटाला हुआ है और इसके साथ साथ सरकारी स्कूल की फेसलिफ्टिंग ग्रांट का भी घोटाला हुआ है 1.62 करोड़ रुपए का। और ऐसे ही राजौंद में रिचार्ज पंचायतों में रिचार्ज बोर घोटाला हुआ है 1.25 करोड़ रुपए का। इसके साथ साथ करीब काफी घोटाले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। इसको लेकर जो पंचायत विभाग के निदेशक है रमेश चंद्र बिटान ने पंचायती जो राज विभाग के जेई है जसवीर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसको लेकर जो एक SIT भी विजिलेंस टीम भी तैयार की गई थी, लेकिन उसके द्वारा अब तक कोई भी जो सबूत थे वो अब तक हाजिर नहीं किया गया। लेकिन एक शिकायत के द्वारा जो कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कैथल है, जो माननीय सरकार की कौशिक ने एक पत्र लिखकर एक शिकायत लिखी थी, CM मनोहर लाल को मेल डाली थी, जिसके बारे में इन्होंने जो गई है जसवीर सिंह इसको निलंबित करने के बारे में लिखा था और पत्र में कहा भी गया था कि संस्था द्वारा जो जिला परिषद है कैथल के विकास कार्य में अनियमितता की जांच अनुरोध किया गया था। इसको लेकर CM मनोहर लाल ने इसमें तुरंत एक्शन लिया और जो पंचायत विभाग के निदेशक है उनको आदेश दिए कि जो जई है जसवीर उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दे। जी चलिए ठीक, मनोज बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।